मेरे दिल जिगर की टुकड़ी जिसे मैं बेद इंतहा मोहब्बत करता हूं, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें हर पल बेचैन रहती है, मेरे दिल की प्यारी पिंगला रानी। ए पिंगला, अरे पिए जी, आज आप इतनी जल्दी अपने महल में, पिए जी ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं और इतनी जल्दी आ गए हैं मेरे महल में? आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है पिंगला। क्यों? आज मैं तुझे जी भर के देखने आया हूँ। मुझे? हाँ महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? पिंगला, मैं दरबार में बैठा था जी, अचानक मेरे आगे यमराज आ गया। यमराज? ओ। यमराज कहता है क्या कि भर्तरी तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, तेरा अंजल पानी खत्म हो गया। महाराज, मेरी मृत्यु का दिन है आज, और पिंगला मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ। महाराज, हाँ। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरा हरा तो नौटनिया तो घना ही है, देख मेरा क्या होगा? महाराज, हाँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तो आपका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। बस यही सुनना चाहता था मैं जी। पिंगला, हाँ। अगर मेरी कोई जान बचा सकता है वो तू है। मैं? हाँ। कहिए महाराज, कैसे? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया। हाँ बिल्कुल। जिसको खाने से हाँ इंसान मरता नहीं, स्वस्थ रहता है, जवान रहता है, जिंदा रहता है। पिंगला तेरी उम्र तो घनी है अभी, मैं तो आज मरने वाला हूँ, तू अमर होकर के करेगी ला, वो अमर फल मुझे दे, मैं खा लूंगा और मेरी जिंदगी बच जाएगी। अरे महाराज, वो अमर फल तो मैं खागी? झूठ ना बोल। सच्ची? झूठ ना बोल। अब तो मेरे पेट में है। अरे किम छोत को छात को बच्चो आई ला दे। महाराज पूरा खागी। पिंगला झूठ ना बोल। महाराज सच्ची। क्या तुझे पता है कि दुनिया में केवल एक ही अमर फल आया है? हाँ बिल्कुल। दूसरा आएगा भी नहीं? दूसरा महाराज कोई लोकल नकली वैसे आ सके? नहीं, असली तो नहीं आएगा। हाँ असली नहीं आएगा। पिंगला तूने नहीं खाया? मैंने खा लिया महाराज। खा लिया? खा लिया, पेट में अंदर है मेरे। ले तो एक अमर फल ये देख, असली अमर फल ये खा। ओ। देख महाराज। कोई दूसरा है? दूसरा नहीं है, ये नकली है महाराज, वो तो मैं खा गई। याद कर ले। नहीं मेरे याद है महाराज। ये किसको दिया? किसको? ये अमर फल रानी। किसी को नहीं, किसी को नहीं। इब साची साच बता दे। साची साच बता दूं? सच बता दे। तो सुन ले महाराज। हाँ। अरे पेट पाड़ के कैसे काट हे साधन मने बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटू साधन मने बता दे। किसको दिया अमर फल रानी? किसको दिया अमर फल रानी? साची साच बता दे। अरे पेट पाड़ के कैसे काटू साधन मने बता दे। पेट पाड़ के क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये अमर फल मेरे हाथ में है महाराज, और तू अपना झूठ छुपाने के लिए। कैसा झूठ महाराज? यही कि अमर फल तूने खाया नहीं, किसी और को दे दिया। मैंने सच्ची खा लिया। तो ये कहाँ से आया? मुझे नहीं पता महाराज कहाँ से आया। झूठ बोल रही है अब भी? मैं क्यों झूठ बोलूं? लाइन पे आ जा। आगे लाइन पे। यो वही अमर फल असली है। वही अमर फल असली है। ये वही अमर फल असली है
जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजने, खलिया हाथ हाथ बने, कसम राम की खाऊं साजने, खलिया हाथ हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तने, यारी हाँ नहीं, जिसको तू अमर कराना चाहती। ऐसा सपने में भी नहीं सो सकती महाराज। उल्टा तेरा वेद खुल गया। वेद है किसने जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाते मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाते मने। ऐसी हो पतिव्रता देख लो किसी ने ना देखी हो तो, ये खसम ने मार के सती हो जाए लड़की। कैसी बात कर रहे हैं आप? तेरा यार पकड़ा गया। कौन मेरा यार? कैसा मेरा यार महाराज? नहीं है कोई यार नहीं मेरा। नहीं है कोई नहीं है। रामजादे खड़ा हो। ये कौन सा फेर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा। महाराज जी, रानी तेरे का नाम तो फद्दू महाराज है। महाराज गलती। दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे को नानेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजने, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजने, कोई सबूत दिखा दे। देख पहचान कौन से? आप कौन हो भाई साहब? भाई साहब कौन हो? मन्ने फूफा कह देते। ये वही है जिसे आप अमर कराना चाहती थी। मैंने तुझे अमर कराना चाहा पिंगला, और तूने इसको अमर कराना चाहा। महाराज एक मिनट, तू इधर एक बात बता। हाँ। जब मैंने तुझे मना की थी कि जब तक मैं तुझे महल के अंदर ना बुलाऊं तो तू आई मत, बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने चार पहरेदार भेज दिए। अच्छा। और मैं बहुत पिटा और मेरे पिछवाड़े पे मारे सारे। राहुल, राहुल समानिया मंच पे आए। राहुल समानिया एक मिनट के लिए। फिर क्या हुआ? मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। मतलब जो तेरे मेरे बीच की बात है वो प्यार मोहब्बत वाली, तू तेरी सारी बात बता दी। वो वाली भी बता दी। महाराज महाराज हाँ, की बच्ची वो सब झूठ था महाराज। इधर
महारानी इधर मेरा पेशाब लेकर जा इधर जल्लाद इसको गिरफ्तार कर महाराज पकड़ इसको पकड़ पकड़ बस पकड़ ले इसको अरे कोई पकड़ो इसको मेरा हुक्म है इस कोतवाल के 300 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए जाए भेड़ियों को खिला दिए जाए ले जाओ इसको ले जाओ हो सही कहा है औरत जात का विश्वास नहीं है अरे ये धन माया में मार कर ठोकर कंगले के साथ भी भाग सकती है अरे पिंगला इतना बुंडा काम करा शर्म नहीं आई तू डूब कर नहीं मरी महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया महाराज मैंने आपके साथ में धोखा किया ये भूल है मुझे माफ कर दीजिए महाराज मुझे इस भूल के लिए मैं तने माफ कर दूं कि तने कोतवाल के साथ प्यार करा लेकिन खड़ी हो उस भूल के लिए क्यों कर माफ कर दूं रक्त है रे कारण तेरे कारण हत्यारण है तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया मेरी पकड़ ली चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया पकड़ ली चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया है परमेश्वर ने बली करी दिखे परमेश्वर ने बली करी इसने नहीं अमर फल खाया दिखे बोलना भी न जा साजन मेरा जी मरने क्या हुआ महाराज हाँ आज मैं अपनी नजरों से ही गिर गई महाराज गिरना ही था उल्टा गिरना ही था तेरे को आप मुझे मार दीजिए महाराज क्या आप मुझे मार दीजिए मार दूं जी जल्लाद मार दे इसको महाराज महाराज हाँ। नहीं महाराज नहीं के बात तू ही तो करी मरना चाहती मैं तो मजाक कर रही थी महाराज अरे मजाक का नहीं तो गरगाल दी महाराज की जय हो निवेदन करना चाहता हूँ मैं भी महाराज तू जल्लाद है तीसरे के चमका है पहले निवेदन सुनो जल्लादो कितने बोल पहले मैं बात करूं मैं ये चाह रहा था मैंने की अपने उज्जैन नगरी में इसको मार दे क्यों इसने मेरा बेटा गरक कर दिया वो तो इसके कारण मैंने अपने भाई को मरवा दिया वो भी सही है इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि पिंगला को सजाए मौत दे दी जाए महाराज आपका हुक्म बिल्कुल सिर माथे मंजूर है इसको अभी इसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल भी ऐसे कर दिया जाए उज्जैन नगरी के चौराहे पे ले जाके इसको जमीन में गाड़ देना इसके चेहरे पे शहद और दही डाल देना और खूनी कुत्ते छोड़ देना जब नोच नोच के कुत्ते खाएंगे तब पता चलेगा रब्बे गुनाह को क्यों कर मरवाया जा रहा है माफ कर दीजिए आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज और जो तने मरवाया वो के मेरा भाई नहीं था महाराज आपने मेरे साथ में अग्नि के सामने सात फेरे लेके मुझे वचन दिया था कि आप मेरा जीवन भर ख्याल रखेंगे एक वचन माँ पानंदे को दिया था अपने छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा अरे तेरे कारण उसकी आंख तकड़वा ली महाराज माफ कर दीजिए गलती आखिरी गलती महाराज माफ कर दो जी इधर भाई ईमानदारी तो बताना ये तो नाटक है अगर कोई औरत भाई ना भाई मरवा दे क्या आप उसे माफ कर दोगे हाथ ठाके बता दो उसे कर दोगे कोई माफ नहीं करेगा रहम कीजिए महाराज
कर दूं रहम जी। ठीक है भाई, हम इसको माफ कर देंगे अगर इसको इसने काम कर दिया तो। क्या काम? अगर एक काम कर दिया तो हम इसको माफ कर देंगे, जो मैं चाहता हूं। अगर वो भी आप चाहते हो तो मेरी बात का समर्थन आप ताली बजा के कर देना, क्योंकि हम भी वो चाहते, तब तेरे को माफ करेंगे। कहिए। हम तेरी जान बख्शीश करें, हम तेरी जान बख्शीश करें, मेरे भाई ते मिला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है? महाराज एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? एक राजा का हुक्म उल्टा फिर सकता है? ले जाओ मातो। मैं दो पत्तों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। दो पत्तों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। जी महाराज, तूने अपने हाथों से मेरे भाई का कत्ल करा होगा, विक्रम को मारा होगा, क्योंकि दो आंखें तू लेके आया था, खून लेके आया। उसके बाद क्या तूने उस कोतवाल को मार दिया? जी महाराज। पिंगला को मार दिया? जी महाराज। अब एक काम और कर, यो किस्सा ही खत्म कर दे। हुक्म। अपनी तलवार निकाल और राजा भर्तरी की गर्दन कलम कर दे, ये मेरा हुक्म है। क्यों महाराज? क्योंकि जब मैं अपने भाई के आंसू ना पड़ पाया, अपनी पत्नी का फरेब नहीं देख पाया, तो जैन नगरी के लोगों का दुख कैसे दूर करूंगा? मैं जीना नहीं चाहता। मैं जानता हूं मेरे भाई की आत्मा यहीं कहीं मुझे देख रही होगी। मैं आज पश्चाताप के आंसुओं में घिर बैठा हूं, मैं अब जी भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरा कत्ल कर दे, मेरी आत्मा मेरे भाई की आत्मा के पैरों में पड़ के पश्चाताप तो कर लेगी। एक राजा होने के नाते मैं हुक्म देता हूं, मुझे मेरे भाई से मिलना है, और मिलने के लिए तू ही मुझे मिला सकता है, इसलिए मेरी गर्दन कलम कर दी जाए। नहीं महाराज। अरे क्या तू मुझसे बड़ा हो गया? नहीं, आपसे बड़ा नहीं हुआ मैं। तो फिर मेरी गर्दन कलम क्यों नहीं करता? क्योंकि महाराज आपका भाई मरा नहीं, जिंदा है। क्या झूठ बोलता है तू? मैं फिर कह रहा हूं महाराज, आपका भाई मरा नहीं, जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है जल्लाद? तूने दो आंखें एक कटोरा खून पेश किया था, वो एक हिरण का था। झूठ बोलता है। बिल्कुल सत्य कहता हूँ। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ईश्वर की सौगंध खा। मैं परमात्मा की साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि आपका भाई जिंदा है। ए जल्लाद, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन आज तेरे अंदर मैं भगवान को देख रहा हूँ। मेरा राजपाट ले ले, सारी कायनात तेरी है। बस आज समझ में बात आई कि भाई जैसी चीज दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती। मेरे भाई तेरे पैर पड़ता हूं, मुझे मेरे भाई से मिला दे, भाई से मिला दे। लीजिए महाराज, क्या यही आपके विक्रम भैया है? सजनों 12 साल बाद दो भाई मिले, आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा भाई। भाई हाँ, अरे तू जिंदा है? मैं स्वप्न मार के मरूंगा भाई। रे विक्रम। हाँ पंडित जी ने एक बात कही, करे जुए कैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो, चोरी कैसा माल नहीं अगर मारना हो तो, औरत कैसा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, और भाई जैसा प्यार नहीं लोगों तकरार ना हो तो, तकरार ना हो तो। बिल्कुल। आज अपनी गलती का एहसास भर्तरी को हो गया। हाँ। तेरे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। ना भाई ना, तेरी कोई गलती को ना। और जब तो तू भी रांड का चक्र में फसरो तो, मैंने तेरे तो पहले कही थी कि काला नाक कदे ना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले, गधा गऊ नहीं बन सके,
चाहे सोबे गंगन वाले एक बाण वाले की बाण ना जा चाहे चारुए पड़ाले अरे भाई ये लुगाई अपनी ना होती चाहे कितने लाड़ डाले अरे माँ के जाए पीर लाडले माँ के जाए पीर लाडले कर दे माफ कसूर मेरा सच्चाई पहचान लई अबे ओ क्या भरम कूर तेरा सच्चाई पहचान लई अबे ओ क्या भरम कूर तेरा अबे काम और कर ले विक्रम हाँ राजपाट की ताली ले ले ना भाई ना राज चाबी राजपाट ना, की है ना, राजा आज के बाद तू राजा ना भाई ना तू राजा उज्जैन नगरी का राजा घोषित करता हूं भाई ना 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 राजा तू ही बनेगा तू बन जा भाई कर ले दो चार साल और सजनो उसी दिन राजा बना दिया भर्तरी ने और आपको बता दूं मैं आज हमारे साल ये साल 2019 चल रहा है सबको पता है लेकिन हिंदुओं का कैलेंडर उठाना हिंदू पंचांग हमारे साल विक्रमी संवत में चलते हैं उसी दिन ते साल भी चालू हुए थे जिस दिन विक्रम राजा बना था राजपाट की ताली ले ले हो राज तिलक जरूर तेरा कैलाशन जा गुरु की शरण में हो जाना मसूर राजा बनाने के बाद भर्तरी का दिल टूट जाता है सोचता है कि दुनिया से नजरें कैसे मिलाऊंगा तलवार निकाली कोने में गया अपने खुद की गर्दन काटने लगा भर्तरी एकदम तक गोरखनाथ आ गए हाथ पकड़ लिया भर्तरी क्या कर रहे हो कि गुरुजी आत्महत्या कर रहा हूं जीना नहीं चाहता क्यों मरना चाहते हो कि गुरुजी मेरी रानी पिंगला धोखा दे गई तो भर्तरी को गोरखनाथ कहते हैं कि भर्तरी महाराज याद करिए आप नौ नाथों में एक नाथ हो शंकर भगवान के पृथ्वी पर घूमने आए लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ने आपको जकड़ लिया आपकी पिंगला गलत नहीं ये कोतवाल गलत नहीं कोतवाल तो कोई था ही नहीं ये सब मेरी योग माया थी आपका भ्रम तोड़ने के लिए उसी टेम जोग दे दिया विक्रम को तो उज्जैन नगरी का राजा बना दिया आगे चल के विक्रम का नाम पड़ा वीर विक्रमाजीत वीर क्यों गोरखनाथ ने चार जिंद चार भूत ऐसे दिए जो अदृश्य दिखाई नहीं देते थे जो विक्रम की मदद करते थे उनको वीर बोलते थे चार जिंद थे इसलिए वीर विक्रमादित्य बड़ा और भर्तरी को जोग दे दिया उज्जैन नगरी से चलकर आपके राजस्थान अलवर के सरिस्का के जंगल में आके बाबा भर्तरी ने तप करा और आज सारी दुनिया बाबा भर्तरी की अलवर जिले में धोक मारने जाती है दिल से बोलिए बाबा भर्तरी महाराज की फिर अमित चौधरी ने चिमटा खाया गोरख रहम बता दे सांग भर्तरी का खत्म होया महाराज नू तो मखांडेरा ऊपर ही लाग नहीं रहा मन के तो चुन्नी दे दो एक भाई चले इसको चुन्नी दे दो ये पहले सांग में लड़के ही बनते थे ना लड़के अब तो ओरिजिनल आ गए के मेरे भी लगा दो के बोली सुन ना ला चुन्नी तक काम निकाल ला बजा के लावे गरम लाओ बजा के मुंह दिखाई में जोरदार ताली तो होनी चाहिए आपकी हाँ खाने रहा परी कहिए मुसाफिर मुझे तेरे साथ शादी करनी है हैं हाँ आए तना पांचनी उंटनी होई आता है ले ले बन्नो तू पहले नू बता कौन है कितका है मैं तना जानती नहीं पिछानती नहीं नू कुकर ब्याह कर लूँ तेरे ते इंट्रोडक्शन दू हाँ अपना सारा परिचय दो ले इस नगरी का नाम क्या है तामोल
तामोल का राजा कौन है? श्याम धाम। श्याम धाम की लड़की कौन है? रतनकोर। रतनकोर का घराड़ा कौन है? विक्रमाजीत। विक्रमाजीत तेरे आगे खड़ा, मतलब कि आप हो? मैं विक्रमाजीत हूँ। ओहो, जय हो महाराज की जय हो। या तो आप जीजा लागे मेरे? ना, तेरा जीजा कौन ही लागया। अच्छा, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया और मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। महाराज, शादी तो आपकी ऑलरेडी होगी रतनकोर गए। कोई बात नहीं, राजा है हम, कहीं कहीं सौ सौ शादी भी कर ले रहे। कहीं कहीं करेगा? हाँ। मैं तो नहीं करती। करनी होगी? ना करूं। अगर नहीं करेगी तो तेरा जन बच्चा खोलू मैं, पिलवा दूंगा। जन बच्चा? सबको मरवा दूंगा। जन बच्चा की मिसाई को नहीं? अरे तेरी माँ बाबू बेबे की तो होगा, सब न मरवा होगा। तेरी मैं शरण मरवा दूंगा। अच्छा। हाँ। तो महाराज, मैं ऐसे ही किसी मूर्ख आदमी से विवाह नहीं कर सकती। और किस तरह करेगी? मैं आपके दिमाग की परीक्षा लूंगी, अगर आपने मेरे सवाल ठीक ठीक दे दिए जवाब उनके। हाँ। तो मैं 1% सोचूंगी, नहीं तो कदापि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब तू सवाल करेगी मैं जवाब दूंगा? बिल्कुल। ठीक जवाब हुए तो मैं सोच लूंगी ब्याह की, और गलत हुए तो? गलत है तो सुमित्रा आंटी में जाना सामना करा फिर। एक काम कर। हाँ। अपने सवाल कर। अच्छा, और मैं तेरे जवाब दूंगा। सवाल सुनो, साधारण सवाल नहीं है वे। ये पंडित लक्ष्मीचंद के ब्रह्मज्ञान की रागनी है। ये सवाल जो करेगी रतन, ये खंडेराव परी किताब में भी कोने पावे। उत्तर अनपढ़ ठेठ गवार थे लक्ष्मीचंद, बिल्कुल अनपढ़। उत्तर बिल्कुल सोच समझ के दिए, एक एक बोल सुनना, क्या बताया। चलिए, अरे मानस आए चोर, अरे बोलिए रे मुसाफिर, लड़ेगा जोर पड़ेगा। बिल्कुल थाम के भाई, एक एक बोल, अपने सवाल कर ताकि मैं ध्यान से सुन लूं और सारे सुन ले। अच्छा, पहले तू सवाल कर। हाँ। और पाछे मैं जवाब दूंगा। सुन ले फिर, कति जवाब नु दे दिए तो ते ही डाल जवाब। तू मैना बन जा। बन जाऊं? हाँ। या ले। कौन देवता तपे रोजाना, कौन देवता तपे रोजाना, किसने आदत नावन आली, कौन श्याम ने सब घर आवे, होया सवेरा जावन आली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावन आली, कौन देवता सब रस उगले, कौन दूसरी खावन आली, अरे कौन पखेरू बिना पंख के, कौन से बिन काल बता दे, कौन सरोवर बिना नीर का, कौन पेड़ बिन डाल बता दे, मैं उसकी गलियां ब्याह करवा लूं, जो पूरे मेरे सवाल बता दे, उसकी गलियां ब्याह करवा लूं, पूरे मेरे सवाल बता दे, कौन जगत में एक
है रे कौन जगत में एक है अरे कौन जगत में दो सवाल एक बार दोबारा बता कौन देवता तपे रोजाना किसना आदत ना होने वाली नोट करना भाइयों एक देवता ऐसा जो रोज आग के बीच तपता हो एक देवता ऐसा दिन में कहीं के भी नावे है कौन सांझ ने सब घर आवे होया सवेरा जावण वाली हां कौन देवता सब रस उगला कौन दूसरी खावण वाली ओके कौन पखेरु बिना पंख के कौन सह बिन काल बता दे कौन सरोवर बिना नीर का कौन पेड़ बिन डाल बता दे मूस की गल्ला ब्याह करवा लू जो पूरे मेरे सवाल बता दे बताऊंगा कौन जगत में एक है कौन जगत में दो कौन जगत में एक कौन जगत में दो सुन पहले बात सुनाओ सूर्य देवता सूर्य देवता तपे रोजाना सूर्य देवता तपे रोजाना ब्रह्मा ने आदत नहावण आली रात सांझ ने सब घर आवे हुया सवेरा जावण आली इंद्र देवता सब रस उगले या धरती माता खावण आली इंद्र देवता सब रस उगले धरती माता खावण आली एक जीव पखेरु बिना पंख का क्या पूछा था जी कौन पखेरु बिना पंख के पखेरु का मतलब होता है पक्षी पक्षी हाँ बिना पंख का पक्षी एक जीव है कैसे लोग कह दे ना इसका जीव प्राण पखेरु उड़ गया हाँ कोई पंख को ले ठीक बात जीव पखेरु बिना पंख का जीव पखेरु बिना पंख का नींद से बिन काल बता दूं आँख सरोवर बिना नीर का धर्म वृक्ष बिन डाल बता दो ब्याह करवा सहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दो ब्याह करवा सहे ना करवा मैं पूरे तेरे सवाल बता दो सवाल तो बता देगा एक अहम सवाल बच गया नू बता कौन जगत में एक कौन जगत में दो जब मानू लोगो राम जगत में एक है राम जगत में एक है अरे चांदर सूरज दो बोलिए रे मूसा फिर मेरे तन में सिड़क दो बोलिए रे मूसा फिर मेरे तन में सिड़क दो परी तेरे सवाल के जवाब ठीक मिल गए ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल इसका मतलब अब तू मेरी 50% बहू बन गई आधी बोडिया तो बन गई मेरी ना 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 महाराज 5-1% मानी भी तो तू क्या मतलब मतलब यो है ये तो मेरे सवाल थे हाँ अभी मेरी कुछ शर्त और हैं जिनके आधार पे मैं रहूंगी सवाल के बाद शर्त शर्त क्या शर्त है तेरी कि मेरी गल्या ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से अरे एक आती नहीं 16 शर्त पुगानी होंगी हंसी खेल नहीं से तू नाटन की सोच रही होगी नाटन की मैं तो बेरा ना के सोचू तू 16 छोड़ चाहे 3200 कर ले शर्त अच्छा ब्याह करूंगा तेरी गल शर्त बता दू कुछ है बता मन लगा बता सुन शर्त कदे तेरे पानी बिचू पानी बिच ना कोई बात ना ब्रजेश पे बिछवा लूंगा कदे तेरी सेज नहीं बिछाऊं छम्मा बिछा देगी कदे तेरा खाना नहीं बनाऊं लक्की बना देगा कदे तन नुआऊ नी हंसराज नुआ देंगे कदे तेरे लत्ते नी दऊ या पवन पे धवा लूंगा कदे तन्ने नी दऊ अच्छा कदे मतलब तने मसलू नी ठीक है कोई बात ना और सब ते अहम बात यो है शर्त यो है कि दिन में रहूंगी रात न कौन रू ए! मतलब दिन में रहेगी रात को नहीं रहे मेरे घर पे ना रात को किस जागी किते जाओ क्या मतलब यो ही तो शर्त है
ये शर्त मानने वाली नहीं है। मानने वाली तो राम राम तेरा मेरा ब्याह नहीं हो सकता। रुक, 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 रुक। हाँ। चल ठीक है, ये शर्त मंजूर मंजूर, ब्याह कर। एक और शर्त सुन फिर, इब के रह गया। यो सुन के नाटेगा के? लास्ट की शर्त यो, कदे तू मेरे तो बोलिया। हाँ। तू मेरे तो बोलिया, तू मेरा गुलाम, मैं तेरे तो बोली मैं तेरी गुलाम। मैं तेरे तो बोलिया तो मैं तेरा गुलाम गुलाम, और तू मेरे तो बोली तो गुलाम। अरे ब्याह करके बोलना बतलाना तो होता है। आपा कौन बोला के बाटे गल ब्याह करूं सु? ओ तू सोच देख, मैं तो सोच ही रही हूँ तू ब्याह ना करे, अब तेरी जीत हो रही है। अच्छा तो कर ले, दिन में एक आध घंटा तो बोल लेंगे। मैं ना बोलू एक सेकंड भी, बोलते ही तन पुचकार दू, ये गुलाम हो जाएगा तू। ठीक है मंजूर मंजूर, ब्याह करो। हेलो महाराज, फिर ब्याह करके क्या करेगा? मैं किमी भी करूं ब्याह करूंगा। अच्छा मंजूर होगा, नोशा बन गया। सुन ये शर्त मान लिया अपना, मेरे आधे सवाल थोड़े और बच के, वे और सुनो। अरे किसने मांगा घर में? न्यू कूदती तो रहेगी, न्यू भी तीन में कूदूंगी, रात में भाईला एक लोग कूदिए। अरे किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप, किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप। अरे कौन करते दान जगत में, क्या के भरे रहे भंडार, कौन उठे कष्ट जगत में, किसके जाके पड़ती मारे, तेरा मारा तेरा मारा ब्याह हो जाजे, राजी हो जब करतार, तेरा मारा ब्याह हो जाजे, राजी हो जब करतार। ए कौन जगत में जागता रे, कौन जगत में जागता, अरे कौन रे अपने से बढ़िया सवाल, दोबारा बता। किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी करड़ी धूप? एक मानस समाज में ऐसा है जो न्यू कह रोज बारिश बरसे, अरे एक किसान सोचे बारिश ना हो जा धूप लिकड़ी रहे। किस तरिया की नगरी अच्छी, किस तरिया का अच्छा भूप, भूप के हुए है राजा राजा, कौन चाहवे रात चांदनी, कौन छुपाना चाहवे रूप। एक मानस रात चांदनी चाहता रे, एक नुचार मेरा मुंह कोई देख ना ले। हाँ। फिर कौन करते दान जगत में, क्या के भरे रहे भंडार, कौन ओटे कष्ट जगत में, किसके जाकर पड़ती मार, तेरा मारा ब्याह हो जा राजी हो जा वो करतार। हाँ। कौन जगत में जागता और कौन रहा पड़सो भाई, माली मांगे माली मांगे रोज बरसनार, माली मांगे रोज बरसनार, तो भी मांगे करड़ी धूप, सतपुरुषा की नगरी अच्छी, सच्चा पालक अच्छा भूप, साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप, साजन मांगे रात चांदनी, चोर छुपाना चाहवे रूप। धनी करते दान जगत में, धन के भरे रहे भंडार, रंडी ओटे कष्ट जगत में, धर्मराज घर लगती मार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा यो संसार, लक्ष्मी चंद के ब्याह हो जाते, राजी हो जा यो संसार। न्यू बता कौन जगत में जागता, कौन रहा पड़सो? अरे सारे मानस जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं, लेकिन समझ जा बात ना, बस
एकादश सुत्या भी है। हाँ। तो कौन जागे? कौन सोए? कौन सोए? हाँ। आज आज पाप जगत में जागता ए? पाप जगत में जागता और धर्म रहा पड़ सो शादी कर लेता है विक्रमाजीत खांडेराव परी से शर्त के मुताबिक, दिन में रहती थी रात को चली जाती थी। एक शर्त सबसे बड़ी ये थी कि जुड़ सा पहले बोल लेगा असल बाप का कौन है। दिन में रहती रात को कहां जाती किसी को नहीं पता। रतन कौर उसको गुंगी कहा करती, बोल लेना तो गुंगी बन गई। अब एक रोज विक्रमाजीत कहता है अपने जिंद चार वीरों से कि पता लगाओ कहां जाती है ये, कहां जाती है खांडेराव परी। जिंदा कर बताते कि महाराज तेरी रानी खांडेराव परी शाम के वक्त महल की छत के ऊपर जाती है, एक उड़न खटोला आता है, उड़न खटोले में बैठ के ये इंद्र की सभा में जाती है और वहां ये नाच गाना करती है। एक रोज विक्रमाजीत चालाकी से अपने जिंदों की वीरों की मदद से उस उड़न खटोले के नीचे चिपक जाता है जाके और रतन कौर के साथ सुरग लोक में पहुंच जाता है। संयोग सूत ईसा बैठा कि उस दिन सुरग लोक में देवताओं का कोई बहुत बड़ा आयोजन था, प्रोग्राम था और खांडेराव परी का नाचने का प्रोग्राम था। 33 कोटि देवी देवता आए थे और खांडेराव परी का डांस का प्रोग्राम होना था। विक्रमाजीत चारों तरफ देखता है कि सभा लग चुकी है और खांडेराव परी के नाचने का टेम हो लिया है। अपने जिंदों को कहता वीरों को रे ढोलकिया जो ढोलक बजावे तबले आला इसका किडनैप कर लो, इसको अपहरण कर लो। जिंदों ने वीरों ने तबले वाले का अपहरण कर लिया। खांडेराव परी नाचने को तैयार हुई, जैसे ही जमीन में एड्डी मारी पाछा ढोलक में तबले में थाप को न लगी। न्यू देखे जनू बावड़ा गधा देखे है, चारों कंधे कह रहे कित गया तबले आला, तबले आला कित आवे था वो तो जिंदा ने ठा रखा। सजनो पागल सी हो जाती है, घबरा जाती है एकदम से खांडेराव परी कि अगर इंद्र को पता चल गया तबले आला नहीं आया तो तेरे को सजा देगा। डरती डरती सभा में आवाज लगाती है अरे कोई आड़े तबला बजाना जाने है के। भेस बदल के विक्रमाजीत ने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मैं जानता हूं बजाना लेकिन इतना बढ़िया कौन है। खांडेराव परी बोली भाई आजा बजा दे, माज में पिटा पड़ा है, इज्जत बजा के आजा। 14-15 कलाओं का ज्ञाता था विक्रमाजीत, भेस बदल के तबले के ऊपर बैठा, इतना बढ़िया तबला बजाया, इतना बढ़िया तबला बजाया कि देवताओं ने आज खांडेराव परी को इनाम नहीं दिया, आज इनाम तबले वाले को मिला। तबले वाला कौन? विक्रमाजीत। सारे धन को लेकर के, इनाम को लेकर के गोज में जेब में घालता रहा। सुबह 4 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। खांडेराव परी को 1 घंटा अमृत गंगा में स्नान करके मृत्यु लोक में आना होता था। अपने जिंदों की मदद से खांडेराव परी ते पहले ही विक्रमाजीत अपने महल में आ जाता है। रतन कौर रानी सुती पड़ी जगाई, हे रतन कौर खड़ी हो। बोली के बात महाराज कित था पूरी रात? बोले आज एक कमाल कर दूंगा। के करेगा महाराज? के रतन कौर आज तू जो कहती थी कि गूंगी खांडेराव परी बोलती को ना, आज बोलेगी। बोले क्यों कर बोलेगी? के मेरे साथ एक नाटक कर, जब गूंगी आवे तो तू मने जगाइए और मैं उठकर तने धमकाऊंगा। तू न्यू कहिए महाराज क्यों धमकावे है? मैं कहूंगा कि मैं एक सपना देख रहा था। बस तू न्यू बूझ लिए के सपने में के देखो थे, मैं सपना बताऊंगा और गूंगी न्यू बोलेगी आज, आज गूंगी ने बुलवा देंगे। सजनो बड़ी अच्छी रागनी है, मैं विक्रमाजीत का रोल कर रहा हूं, अब खांडेराव परी का रोल छम्मा पे करवा रहा हूं और रतन कौर जो पहली रानी है वो हरी मिर्च बन रहा है। तीनों मिलकर सुना रहे, तालियों का आशीर्वाद दीजिए पर जोरदार तालियों का। चलिए तू न्यू कहती वा गूंगी बोलती को ना, ना वा ना बोले, आज बुलवा दूं? बुलवा दे। एक काम कर, मैं सो जाता हूं। क्यों?
वहां गुंगी आवगी हाँ। और तू मैंने जगाई हाँ। मैं तेरे धमकाऊंगा क्यों तेरे मार भी सकू दर्दी तू न्यू बूझिए कि महाराज मारे क्यों धमकावे क्यों है अच्छा मैं कहूंगा एक सपना देखू था हाँ। तू न्यू बूझे महाराज के सपना देखे था ठीक मैं सपना बताऊंगा और गुंगी बोलेगी बोल जागी हाँ। तो महाराज पड़ जा लंबाड़ा के बोलियान का इतनी बढ़िया नींद खराब कर दी इतनी बढ़िया नींद खराब कर दी टेम बहुत हो गया महाराज इतना बढ़िया सपना देख रहा था सपना हाँ ईशा के देख लिया सपने में अरे के सपने का जिक्र करूं सपने का मोटा चाड़ा मोटा चाड़ा घना ही मोटा के हो गया जनु खंडे राव परी की गल्या महाराज परी की तो गुंगी बोल गुंगी खंडे राव गुंगी ना 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 जनु खंडे राव परी की गल्या मैं रात बने तपले आड़ा क्या सपने का जिक्र करूं सपने का बेटा साड़ा जनू खांडे राव परी की गलिया में रात बने सपने में तबले आला मतलब महाराज आप तबला बचाओ या के करे या नाचे महाराज नू नी सारी बात बताओ या कहिया कहिया नाचे तू कहिया कहिया तबलो बजा सारी बात बता जनू हाँ या बांध घुंगरू नचन लागी छन 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 करती जा मन तबले में बोल बजाए त्रिकट त्रिकट ताता धा सारे गाम पा धानी सा सानी धाप मदरे सा सारी महफिल मेरी करे सराना वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह सारी महफिल करे सराना वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह महाराज मतलब सारी महफिल वाह 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 मजे आगे नू करे थी और के फिर किसे ने कुछ इनाम में दिया सुके ही वाह वाह करे थी इनाम हाँ एक इनाम में मिली अंगूठी एक इनाम में मिली अंगूठी एक मिली मोहन माला खंडेराव परी की गल्या रात बने तबले आला खंडेराव परी की गल्या रात बना तबले आला इनाम में मिली अंगूठी हाँ। अरे क्या माड़ा गले में आहा। या भी मिली इनाम में फिर महाराज सुरग में बजाओ था तबला हाँ फिर ओड़े तो गणे दही देवता होंगे मैं सुत्या था अच्छा अरे सोते सोते मैं सपना देखा हाँ। या नाचे हाँ। सुरग में दही देवता कट्ठे हो रहे कितने एक इनाम में मिली अंगूठी एक मिली मोहन माड़ा और गणे दही देवता बैठे अच्छा सब ने नाम दिया सबने दिया किसने के दिया नू और बता इस तना किसने बैंगन भी दिया है अच्छा तेर इनाम तो मेरे तो दिया है ले बोलना चाहिए तबला तू बजाओ इनाम इसने मिलना चाहिए ना चोर का तो नहीं लाया ना चोर का ना लाया अच्छा हाँ। बता दे किसने के दिया पूछ ले इससे हाय इसी का सुती
ही सर पे विपदा मर जानी न तई मुझे ले ला पाई न रही ले मैं काट दूं या गुठी या गुंठी से ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी न तई मुझे अरे या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मानी न तई मुझे अरे या माला है इंद्र जी की इंद्राणी न तई मुझे या माला है इंद्र जी की इंद्राणी न तई मुझे फिर महाराज बैठा बोलो बाबा बैठे हो गए शंकर बोला भगवान फिर वो भी दियो किमी पार्वती भी कने बैठी वो भी दियो किमी दोनों आनंद दिया के दिया पार्वती न दई भपुती पार्वती न दई भपुती शिवजी ने दई मृग छाला खंडे राव परी की गला रात मन तबले आला खंडे राव परी की गला रात मन तबले महाराज और सोता दो घंटे और लेकर आता वह नाश कर दिया पर नू बता महाराज हाँ। देखा था सपना हाँ। हर चीज हकीकत में काट काट के दे रहा है और के? के जुगाड़ है ये जुगाड़ में इसु अब सपना में तो मैं बिना के देखो उस पर भी काम ही को दिया पर तुम के कर दिया है एक विद्या पढ़नी पड़ती काला जादू हाँ। बंगाल का काला जादू ममता बनर्जी पढ़ रही आजकल अच्छा जादू जाने है हाँ। तो एक तो एक सपने में तो चीज काट ले है और के जादू करना जाने है तू मैं के करना जानू के करना जाने न्याय नीति और वेद शास्त्र अस्त्र शस्त्र जानू नृत्य कला और कथा घुमा दू रण में तिरंग पिछाड़ू सू धूप ते सूरज की धूप ते धूप ते पकवान बना दो छे और राग बखाड़ू सू मलखाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताड़ू सू मलखाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताड़ू सू मन चौदे विद्या सीखी है हो महाराज महाराज बोलना मैं नहीं बोल रही महाराज फिर बोली महाराज कौन बोले मैं बोल रही महाराज कौन बोले मैंने की बताओ महाराज अरे बोल रही हूँ गुंगी बोल गई 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 बुला दी मैंने कही थी ना आज बुलवा दो मान गई महाराज बोल गई हाँ नहीं मानने जा महाराज हाँ सबसे पहले तो आप मेरी आंखों के सामने से मेरी सोक को हटाइए तेरी सोतन ये देखी साहब है तेरी जीजी है मेरी जीजी कौन है बात अरे
सोक तो चून की अरे मैं तेरे चून चाल रुक रुक जा विनोद भाई वो पंडित जी वाली बात याद आवे है मिनट मिनट में हसे मिनट में रो लुगाई दे बने वे मानस की इज्जत ने खो लुगाई दे और सूढ़ी फांसी ते भी मोटा दुख राम जी का दो लुगाई दे तेरे की एक ही रांद काट दे मारा तू ये इतनी प्यारी है इतनी मुझसे बात कर जी कहिए महाराज एक बात बताइए महाराज पहले हाँ आप है कौन मैं कौन हूँ जी तेरा फूफा अरे अब सुन तू बन की गुलाम कह फूफा राम राम कह ओए मैं इसकी गुलामी याद कर तूने शर्त लगाई थी जुड़ सा पहले बोल लेगा सर बाप का कौन है गुलामी कर हाँ महाराज मैं गुलामी करूंगी मेरी भी कर महाराज बता ना या गुलाम रानी मैं रानी रानी और कह या लीगल है तू इनलीगल है इनलीगल और कह महाराज हाँ देख ठीक है मैं तेरी सारी बात मानूंगी गुलाम होगी महाराज तेरी ठीक है होना पड़ेगा होगी तू अपने जाल में अपने आप फंसी है महाराज पर एक बात बताओ आप हैं कौन ये जो सारी चीजें आप एक एक करके निकाल रहे हैं ये तो किसी और को मिली थी किसी और को नहीं वो मुझे ही मिली थी ए? और तेरे साथ तबला बजाने वाला कोई और नहीं फिर कौन विक्रमजीत ही था अरे अरे क्या कर रही है आप थे अब न्यू पूछ मैं कौन हूँ क्या तू मेरा परिचय जानती है नहीं जानती महाराज तू जाने से गए देख मैं कौन मेरा ठिकाना के है अच्छा हाँ के है कौन हूँ महाराज इंद्र का मैं कहाँ नाचती है इंद्र राजा के दरबार में इंद्र के दरबार में इंद्र के दरबार में सुन ले इंद्र का मैं पोता सू इंद्र को पोतो हाँ ओहो मैं तो जानी बाकी संकल जी को पोतो जाते इंद्र का मैं पोता सू और गद्रब सेन पिता मेरा बड़ा भाई मेरा भरतरी राजपाट का सरसेरा मैं नावंती बहन हमारी दुनिया ने पटरा बेरा वीर विक्रमाजीत नाम उज्जैन शहर में सहरा वीर विक्रमाजीत नाम उज्जैन शहर अब तो बोल गई है हाँ बिल्कुल अब तेरे से जो जरूरी काम है उस काम को सुन ले क्या काम है महाराज अब जो मैं कहूँगा जी कान खोल के सुन ले कहिए क्योंकि जो मैं करवाना चाहता हूँ वो तुझे करना होगा करूँगी महाराज जो सुन ले मेरी बात कहिए तन मेरा कहन पुगाना हो अच्छा हाँ तो सुनिए महाराज कहिए जो कह दोगे वो कर दूंगी पर मेरी जान बचाना हो कहण पुकारा हो अरे जो कह दोगे वो कर दूंगी मेरी जान बचाना हो जो कह दोगे वो कर दूंगी मेरी जान बचाना हो क्या कहा के तेरी जान बचाना हो जी महाराज कहीं तेरी जान फंस रही है हाँ महाराज इब तुम मेरी गुलाम भी बनगी जी जो मैं कहूंगा करना होगा हाँ तेरी जान जब बचाऊंगा पहले जी मुझे खुश करना होगा कैसे खुश करूं महाराज मेरे दरबार में कुछ कह रहे थे कि छम्मा का डांस करवा दिए पहले नाच के दिखा
महाराज जब बचाऊंगा तेरी जान। ये कैसी शर्त रख रहे हो? शर्त क्या गुलाम है तू मेरी, कुछ भी करवाऊ मैं तेरे पे। महाराज कुछ और कर दू? सिर नीचे टांग ऊपर कर। महाराज ये नहीं हो सकता। गुडली गुडली चल के जा। न्यू गोन्या फिर नाच के देखा। अरे भाई आजी लहरा लाओ बजा के नागिन का। महाराज तू अपनी गद्दी ले ले, उड़ा पहुंच जा। मैं इंद्र हूँ। हाँ तू इंद्र है जा। अच्छा जी। खड़े रहो परी आज लाइन में। नाचे कुत्ते सुरग लोक में कड़े जान फंद में फेरी से। अरे इंद्रा चाह के पड़ी कैद मेरे अपन पे बिपता गहरी से। इंद्रा चाह के पड़ी बनरी थी गुंगी बहरी से। देखी इंद्रा चाह को दिए वचन मेरी मात कैद में गेरी से। इंद्रा चाह को दिए वचन मेरी मात कैद में गेरी से। इसका मतलब खाने राव परी तेरी माँ को कैद कर रखा है। जी महाराज। जिसके कारण तुझे उसके दरबार में नाचना पड़ता है। हाँ। उसने मेरी हंसनी भी कैद कर रखी है। अच्छा। तेरी माँ भी कैद कर रखी है। ओहो। तू भी कैद कर रखी है। जी। थारी सबकी कैद छुटा दूंगा, थारी सबकी कैद छुटा दूंगा, तेरे साथ सुरग मन जाना हो। वो इंद्र कर दे भस्म पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। इंद्र कर दे भस्म पिया क्यों अपनी जान खपाना हो। लेकिन खांडेराव परी वो भस्म नहीं कर पाएगा मुझे। क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात महाराज? वो मेरा दादा लगता है, मैं उसका पोता हूँ। दादा? उसको पता नहीं है इंद्र को, लेकिन जब मैं बताऊंगा भेद खुलेगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी दादा को। आज अब तुझे उसके सामने नाचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या इतिहास में भूगोल में कहीं तरह न्यू सुना है कि बोडिया अपने सुसरे क्या के नाचती हो, पर सुसरे क्या के नाचती हो? नहीं महाराज, पर ये बात इंद्र राजा को पता नहीं है। पता चलेगा इब तेरे को नाचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा मेरा ब्याह हो गया। इब तेरा मेरा ब्याह हो गया, करने की कोई बात नहीं। वो इंद्र राजा, वो इंद्र राजा हम मन बहु बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। इंद्र राजा बहु बना ले, निभे हमारा साथ नहीं। तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए के? बार बार करूं मेरा दादा है, तू कह रही कि वो तने बहु बना ले। पर ये बात वो नहीं जानते कि मैं आपकी बहू हूँ। अगर तूने उससे शादी कर ली फिर क्यों नाश हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? फिर तू दादी बन जा मेरी। अच्छा? फिर तू दादी बन जा मेरी, ये तेरे जात जमात नहीं। अरे सांप के मुँह छंछुंदर फंस गया, अरे पकड़े के हालात नहीं। सांप के मुंह में के फुस गया? छुछंदर। छुछंदर। खावे तो मरे ना खावे तो मरे। जी महाराज। तू एक काम कर, इस बात पे मैं अपने आप देख लूंगा,
अच्छा मानेगा नहीं ना, जावेगा के तेरे साथ चलूंगा। अच्छा हाँ तो महाराज सुन, हाँ उड़न खटोला दिखे उड़न खटोला आ गया बैठ तो मेरे साथ रवाना हो। खांडेराव परी और विक्रमाजीत बात करते रहे, शाम हो जाती है, छत पे उड़न खटोला आ गया और जिद करके विक्रमाजीत खांडेराव परी के साथ उड़न खटोले में बैठ लिया और उड़न खटोला उड़ के सुरग में आ जाता है। और आदरणीय महिपाल डाटी वाला जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, 100 रुपए से आदरणीय विजय सिंह जी उप सरपंच मान सम्मान। अब ये सुरग लोक में आ गए जी, वो इंद्र बैठा। हाँ महाराज, उसको मत बताना अभी के मैं उसका पोता हूँ। अच्छा, उसको ये कह जाके क्या कि मैं तबला बजाने वाला लाई हूँ। अच्छा, जो पहला तबले वाला था वो खराब था। अच्छा, मैं मृत्यु लोक से बढ़िया तबला बजाने वाला लाई हूँ, जा उसको ये कहना। महाराज मैं आज वैसे एक घंटा लेट हो गई, महाराज मैंने डांटेगा इंद्र राजा को। मैं बैठा हूँ, आज तेरी छुट्टी करवा दूंगा। अच्छा जा, ठीक है महाराज। खांडेराव पर एक बात बता, तना टाइम देखा है क्या हो रहा है? महाराज एक घंटा लेट हो गई। एक घंटा लेट तेरे हाँ? को शायद एक बात की पता नहीं है, तेरी माँ जो थी ना, तेरी माँ हाँ? वो भी अठाई नाचा करती ए? हाँ अच्छा? और वो एक दिन 15 मिनट लेट हुई थी, 15 मिनट। अच्छा, वो तेरी माँ तो जेल में पड़ी है हाँ? लेकिन तेरी माँ की सजा तन्ने मिल रही, वो जो तू आज धरती सुरग में धरती एक फ्लैट दे देता हूँ, पर रोज तू जो आना जाना जो परेशान हो ना वो 15 मिनट की गलती है, तू एक घंटा लेट हुई, सोच क्या करेगा? महाराज मैं अपनी गैलरी में बहुत ही अच्छा इंसान लेके आई हूँ। बहुत अच्छा हाँ। खांडेराव परी आवन में, खांडेराव परी आवन में क्यों कर दी इतनी देरी, एक तवले आला लाई सुन के तबीयत खुश हो जाते, मौजूद था फिर। अरे महाराज उसकी तो तबीयत खराब हो गई, फिर अब मैं दूसरा लाई हूँ, नया बहुत बढ़िया बजाता है महाराज। कौन से लोक से लेके आये उसे? पृथ्वी लोक से। हैं? क्यों मृत्यु लोक का मानस लाई बिना इजाजत मेरी, 1 लाख कही और लाख कही यो मान्या को ना, होली दुखी बतेरी, सजा मिले तुम्हें रे 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 रे। अरे इस गलती की सजा मिले तुम्हें, पड़े नरक में जाना हो, मेरी खता माफ करो देवी राज के विक्रम नहीं पिचाना हो, खता माफ करो देवी राज के विक्रम नहीं पिचाना हो, खता माफ करो देवराज इंद्र, क्या विक्रम को नहीं पहचाना? नहीं पहचाना, मैं अभी हुक्म देता हूँ। दादाजी प्रणाम। दादाजी मैं आपका पोता विक्रम। पोता? हाँ। ले बोलो पोता, ओड़ दादा ओड़ के जुगाड़ है। दादाजी आप डांस देखते रहते हो, जवान हो, बूढ़े नहीं होते, आपका पोता हूँ मैं। पोता? हाँ याद करो, मेरे कोई बेटा ही नहीं, पोता कितना आया कर दिया। देश मालवा राजपुताना एक रमणिक शहर उज्जैन हुआ और किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गद्रव सेन हुआ। हाँ। गद्रव सेन की शादी पानम देता हुई। हाँ। 3 संतान हुई। हाँ। एक लड़की जिसका नाम मैनावंती, जो धारा नगर के पदम सेन के ब्याई, एक लड़का गोपीचंद गोपीचंद और दूसरी लड़की चंद्रावल चंद्रावल। 2 लड़के बड्डा भरतरी जो जोगी बन गए और छोटा विक्रम वीर विक्रमाजीत विश्व 20 आपके आगे खड़ा। वाह वाह, आजा पोते पुचकार दो लो। पर दादा पुचकारने से पहले सुनिए,
आपने मेरी एक हंसनी कैद कर रखी। हंसनी? वो तो मैंने उन हंसों की कर रखी है। वेनु कह रहे थे कोई विश्वे बीस राजा है। हाँ तो मैं विश्वे बीस हूँ। तू विश्वे बीस? हाँ। देख भाई पोते, वो अपनी घर की बात है, बाकी विश्वे बीस मैं हूँ। तू क्यों कर विश्व बीस दादा? अरे मैं हूँ दुनिया में विश्व बीस, और कोई सा को दादा। तू जाना विश्व बीस के हो? जानू खूब बढ़िया। तो बता। पूछ। एक का मतलब ओम, दो का मतलब जमीन आसमान, तीन लोक, चार वेद, पांच तत्व, छह शास्त्र, सात दीप, आठ वसु, नौ खंड, दस इंद्री, ग्यारह रुद्र, बारह सूर्य, तेरह रतन, चौदह भवन, पंद्रह तिथि, सोलह श्रृंगार, सत्रह विषय, अठारह पुराण, उन्नीस उपनिषद, बीस विश्वे बीस भगवान का नाम जिनकी चार चार कलाएं। तो ओरिजिनल है भाई, मानेंगे। मैं वही विश्वे बीस हूँ। वही विश्वे बीस? मैं हूँ वो विश्वे बीस। तो अच्छा सुन सुन सुन, तेरा पोता आज आज कलेश काट दूंगा। सुन, तेरा पोता हूँ ना मैं। अब तू बता विश्वे बीस। सुन, मैं पूछूंगा एक पिंजरा। हाँ जी, करो आजाद परी ने दादा। इस परी ने? इसको भी आजाद करो। इससे तो मैं ब्याह करूंगा। बावड़ो है साई, तू पागल है? क्यों? मैंने ब्याह कर लिया। कर लिया मैं करूंगा बावड़ो। मैं दूंगा बेटे। दादा कर लिया, सीरियसली कर लिया है। हाँ सीरियसली कर लिया। हाँ भैया, तो गलत बात है तेरी ला। करो आजाद परी ने दादा, या लगे बोहड़िया थारी। ये तो अन्याय कर दिया। देख भाई ना पोते, गलत बात, नरक में जाओ। तलाक दे दे। ना ना ना, पागल तो ना दादा? मैं कर लूंगा यार। ना तू पागल तो ना, मेरी कई दिन तक नजर है दादा। तने मेरी कसम लगे। तू दे दे अपने आली ने। करो आजाद परी ने दादा, या लगे बोहड़िया थारी। परी अंसनी दोनों ले जा तू भूप बड़ा न्याकारी। परी अंसनी दोनों ले जा भूप बड़ा न्याकारी। अब दादा एक काम और कर। और काम मैं ना करूं? अंसनी दे दी। मैं ना, मैं दादा सुन सही। हाँ। अब तने ये भी आजाद कर दी, परी भी कर दी, या तेरी बोहड़िया है ये मुंह दिखाई मैं। एन पुछल को बात दे दो। जा बड़ा यार, तू तो गंदा दादा है। आशीर्वाद तो दे दे। दुआ दे दी है, कोई बात पुचकार दे। मन्ना पुचकार ली। तू तो पुचकार लो जा। दादा एक एक काम कर। हां ये मुंह दिखाई मैं किमे गाल। मुंह दिखाई मैं के पर बंटा लेगा। मुंह दिखाई वाले जाओ। हंसनी हंसनी तो दे दी। हंसनी तो दे दी, मैं छुटाना आ गया। वो मुंह दिखाई मैं दी ना, और के लिए हंसनी दे दी इसकी। एक काम कर दादा। मुझे पता चला है कि मेरी जो खंडेराव परी है, इसकी माँ भी तेरी कैद में। वो माँ मुंह दिखाई में दे दे। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी की माँ तो छोड़ दो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेके चलो अपनी सासू माँ को। अब दावा टालू जी बनाओगा? बोले माँ तो छोड़ दो ना। नहीं नहीं, लेके चलो सासू माँ को। एक काम कर। छोड़ छोड़, मान दादा का जी लगा रहा है कि तेरी मान छोड़ दे। कने छोड़ ना ना, तम तो इतनी नीचे कितने आदमी देखो। ऊपर मैं बेचारा एकला रहूं हूं, इसकी मां तो चाहिए। कोई बात ना दया, बात तेरी मानी की मां तेरे धोरे रहेगी। इन दोनों मन ले। हां अब ले का बात। अमित चौधरी छम्मा तिवारी। ए रे 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 हरी मिर्च का गाढ़ा हो करा संग का तो